ये डेट्स का गार्डन है और ऐसे गार्डन आपको पूरे रास्ते नजर आएंगे और आज हमारा लंच भी यहीं पर होने वाला है। Once again, welcome back to the channel. Hope आप सभी अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। आज का ये ब्लॉग चाबहार टू जाहेदान होने वाला है क्योंकि मेरा वीजा एक्सटेंड नहीं हुआ और इसका रीजन रिलीजन था। एक दिन तो ये होना ही था, कोई बात नहीं। और पीछे हमारा घर, इसको हमेशा के लिए बाय बाय कहने का टाइम आ गया। तो चलते हैं जाहेदान की तरफ और एक डेडिकेटेड वीडियो मैं इस पर ज़रूर बनाऊंगा कि क्यों मेरा वीज़ा रिजेक्ट हुआ और रिलीजन उसकी वजह क्यों था। उन्होंने कल मेरा पासपोर्ट दिया, 9 जनवरी को मेरा पासपोर्ट दिया और मुझे सिर्फ 6 दिन का टाइम दिया है इंडिया छोड़ने के लिए। अभी पैंडेमिक है और कोई फ्लाइट भी नहीं है यहाँ से इंडिया के लिए, बट फिर भी देखते हैं क्या होता है। बच्चे के लिए ईरानी पासपोर्ट लेना था बट इन्होंने डायरेक्ट कह दिया, साफ मना कर दिया कि नहीं मिलेगा। तो अभी हम जा रहे हैं जाहेदान, इंडियन कॉन्सुलेट है वहाँ पर, देखते हैं। और समय भी नहीं बचा है, मेरे पास सिर्फ 6 दिन का टाइम है क्योंकि 15 जनवरी तक मुझे यहाँ से निकलना। बाकी आगे की स्टोरी मैं आपको बताता रहूँगा क्या हुआ। कल इन्होंने दोपहर में मेरा पासपोर्ट मुझे दिया और इतना टाइम भी नहीं था हमारे पास पैकिंग का। कल हमने पूरा दिन भर और रात भर पैकिंग किया और आज सवेरे हम निकल रहे हैं ताकि जल्दी से पहुंच सके, क्योंकि सरकारी काम है तो टाइम तो लगेगा ही और इतना टाइम भी नहीं है हमारे पास। यह है डेट्स का गार्डन और यहीं पर आज हम लंच करेंगे। कल रात को ठीक से सो नहीं पाए तो थोड़ी थकान भी है क्योंकि कल देर रात तक पैकिंग करते रहे, एकदम इतनी जल्दी से हो गया और चाबहार छोड़ना पड़ा, तो रात को ठीक से सो नहीं पाए तो थकान तो रहेगी ही। और आज पूरे दिन ड्राइविंग भी करना है, बट ये अच्छा है कि हम दोनों लोग ड्राइव करते हैं तो उतनी थकान नहीं होगी। इन मुल्लों का बस चले, यहाँ के मुल्लों का बस चले तो मुझे मुस्लिम बना दे या फिर हम दोनों का तलाक करवा दे, बट इन दोनों में से कोई नहीं होने वाला। अभी डेट्स का सीजन नहीं है इसलिए इन पेड़ों पे कोई डेट्स नहीं लगे हैं। डेट्स के गार्डन में और आपने भी इसी बहाने यहाँ पर डेट्स का गार्डन देख लिया। पर ऐसे गार्डन आपको पूरे रास्ते नजर आएंगे, आप कहीं भी रुक सकते हैं, वहाँ पर जा सकते हैं, फोटोग्राफी कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, खा सकते हैं, आपको कोई बोलने वाला नहीं है वहाँ। और फिर हम अपने सफर की तरफ, और अभी भी जाहेदान तकरीबन 400 किलोमीटर। आप यहाँ के सड़कों पर 120 के स्पीड से चला सकते हैं और एक सिटी से दूसरी सिटी अगर जाते हैं तो आपको किसी गांव या किसी शहर के बीच से, किसी आबादी वाली जगहों के बीच से जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सारे बाईपास है और जब आप इस रोड पर ड्राइव करेंगे तो आपको लगेगा कि इस दुनिया में आप अकेले हैं, आपके ना आगे कोई है ना पीछे कोई है, आप एक अलग दुनिया में ड्राइव करेंगे, आपको वैसी फीलिंग मिलेगी।
मैदान की तरफ जा रहे हैं तो आपको इस रोड पर कुछ अलग पैटर्न के माउंटेन्स नजर आएंगे। हम लोग ज़ाहेदान पहुंच गए। ज़ाहेदान भी सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस का एक हिस्सा है और हम नाइट अवॉइड करना चाहते थे, नाइट में ड्राइव नहीं करना चाहते थे, बट काफ़ी लेट हो गए और अभी तकरीबन 9 बज रहे हैं, क्योंकि नाइट को ड्राइव करना यहाँ पे सेफ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी स्मगलिंग होती है तो वो गाड़ी बहुत फास्ट चलाते हैं, इसलिए वो सेफ नहीं है। तो यहाँ भी हमारे रहने का इंतज़ाम हो गया है, क्योंकि हमारा एक फ्रेंड था और उसका एक फ्रेंड है जिसने हमारे रहने का इंतज़ाम किया है, तो उसी का भी हम वेट कर रहे हैं जो हमें उस अपार्टमेंट तक लेके जाएगा। ज़ाहेदान में सिख कम्युनिटी भी रहती है और यहाँ पे गुरुद्वारे भी है, अगर टाइम मिला तो वो कम्युनिटी भी ज़रूर देखेंगे। वो आ गए और हमें उनके पीछे जाना है। मैं आपको दिखाता हूँ जो हमारे फ्रेंड के फ्रेंड ने हमारे लिए अपार्टमेंट अरेंज करके दिया है, कैसा है। ये है वो अपार्टमेंट, सामने किचन है, हम चाहे तो कुक कर सकते हैं। ये है पूरा किचन एरिया और ये रूम जो हमें दिया है, ये आपकी भाभी बैठी हुई है और विवान खेल रहा है। यहाँ पे ठंड काफी है इसलिए दो हीटर भी लगा के गए हैं। विवान का ये पहला विंटर है, क्योंकि चौबहार में तो वैसे विंटर पड़ता नहीं है, वहां तो गर्म ही है। जिसने भी हमें रूम दिया उसको बहुत सारा थैंक यू। वैसे आपकी भाभी की बहन का भी घर यहीं पर है, वो भी यहाँ पर रहती है, बट कल जो बीता हुआ कल था उसकी बेटी ने एक बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज किया था और उसमें कम से कम 20-30 लोग आए थे, इसकी वजह से आपकी भाभी वहां नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि आपकी भाभी को थोड़ा वहम है कि कहीं कोविड ना हो जाए, कोरोना ना हो जाए, छोटा सा बच्चा है इसलिए उसको डर था। डिनर का प्रोग्राम तो आपकी भाभी की बहन का ही है, क्योंकि वही पका रही है और वही यहाँ पर लेके आएगी और हम भी खा के सो जाएंगे। तो आज का ब्लॉग यहीं पर खत्म होता है। ये था चौबहार से ज़ाहेदान का सफर, काफी लंबा सफर हो गया। हम नाइट को अवॉइड करना चाहते थे बट रात हो गई, कोई नहीं, फिर भी सेफली हम लोग पहुंच गए। अगर समय मिलेगा तो मैं आपको ज़ाहेदान का टूर जरूर करवाऊंगा और यहाँ पर जो सिख कम्युनिटी रहती है और उनके गुरुद्वारे हैं वो भी आपको दिखाऊंगा, बट पहले अपना काम खत्म हो जाए। विवान का पासपोर्ट लेना है और मेरा वीजा का तो इश्यू है ही। तब तक के लिए अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, अगर आपका कोई फीडबैक है तो कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।